हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज जो है IIST का 17th राउंड 17वां राउंड जो है आ चुका है फाइनली। और कट ऑफ जो है बहुत सारे बच्चों के कुछ कुछ चेंजेज आए हैं मेरे को, जिस प्रकार से बच्चों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया है, मैंने जिन बच्चों के काउंसलिंग किया उनके चेकिंग किया है। ओके तो आज कुछ देख लेते हैं यार क्या क्या कुछ चेंजेज आया। बहुत सारे बच्चों को चेंजेज मतलब इतने दिन जो चल रही थी, जो बीच में जो डिफरेंस था वो 10 11 12, आज जो डिफरेंस देखने को मिला है वो एटलीस्ट जो है 40 तक भी गया, एक बच्चे के जो 70 भी गया है डायरेक्टली। ओके और दो तीन बच्चों के एटलीस्ट 85 भी क्रॉस किया है, 45 ऑलमोस्ट एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 30 जो है आप मान सकते हो 30 35 से ज्यादा नहीं गया है। ओके एवरेज अगर अपन बात करें तो 30 मान सकते हो, 30 का चेंजेज आया, 30 का चेंजेज आया है। ओके और यार अब अपन बात करते हैं, जैसे ये एक बच्चा है, जैसे इसके ड्यूअल डिग्री के अंदर अभी कंडीशन चल रही है, वेटिंग लिस्ट में 278। ओके देन ये 348 और देन ये 338। ओके तो यार अब अपन बात कर लेते हैं सेफ रैंक के बारे में। जैसे इस बच्चे की जो कंडीशन है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, 1200 JIST का रैंक है इसका, इसका IIST का रैंक है 1200। और फर्दर अगर इसकी अपन बात करें तो इस बच्चे को NIT के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, राइट। NIT में इसने अपनी फीस पे कर दी, जो भी 35,000 प्लस 40,000 होता है। अब इसके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट तो यह है कि अगर इसको IIST में कुछ ना कुछ मिल जाता है तो ये जो है जोसा की सीट विड्रॉ कर ले, और या फिर अगर इसको IIST में कुछ नहीं मिलता है तो वो NIT की तरफ जाए। लेकिन यार अब अपन बात करते हैं कि जोसा की जो सीट्स है, अब इसको अभी तक तो कुछ मिला नहीं है और ऑलमोस्ट सारे के सारे IIST के राउंड क्लोज हो चुके हैं। अब एक ऑप्शन बचा है स्पोर्ट राउंड का। अब स्पोर्ट राउंड की अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट राउंड IIST का कहना है कि सीटें अगर बचती है तो 30 को आप रजिस्टर कर सकते हो, 2 तारीख को अलॉटमेंट आएगा 11 बजे। जोसा की अगर मैं बात करूँ, इस बच्चे का अगर 11 बजे आ जाता है, ओके देन जो है ये रिफंड के लिए एलिजिबल है, शाम 5 बजे तक जोसा की फुल रिफंड ले सकता है। ओके जोसा का जो रिफंड होता है 5 बजे तक 2 तारीख को ये रिफंड ले सकता है, ठीक है। तो यार फर्स्ट ये इसके पास यही दो ऑप्शन है, अगर इसको IIST में कुछ ना कुछ मिल जाता है तो जोसा का रिफंड ले सकता है शाम को 5 बजे तक। इसको अगर IIST में कुछ नहीं मिलता है तो ये डायरेक्टली जोसा की ओर जा सकता है। ऐसे मेरे पास एटलीस्ट 50 60 बच्चे हैं जिनको जोसा के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, IIST में वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं। अब यार अपन बात करते हैं कि कितने तक मिल सकता है। अब जैसे इसकी जो कंडीशन देख रहे हैं इस हिसाब से तो नहीं लगता कि इसको कुछ मिलेगा, ठीक है। 17 राउंड हो चुके हैं अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, 600 पे था ये, 600 से 278 पर पहुंच चुका है। ओके बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको जो फर्स्ट रीवैलिडेशन हुआ था वो 1000 पे थे, डायरेक्टली 600 पर पहुंच गए थे। ओके बहुत सारे बच्चों को सीटें अलॉट भी हो चुकी है, बहुत सारे विड्रॉल भी कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ओके अब अपन बात कर लेते हैं यार कि जो है आपको कितने तक रैंक सेफ है IIST की इन स्पोर्ट राउंड। यार स्पोर्ट राउंड में ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, अभी जो कंडीशन चल रही है जिन बच्चों को सीटें मिल रही है वो 750 से 850 तक सीटें मिल चुकी हैं। अभी यार अपन बात करते हैं इस बच्चे के, जैसे 1200 रैंक है तो क्या स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर मिल सकता है? और यार जो OBC वगैरह SC ST उनको तो ठीक ठाक पे अभी मिल रहा है। ओके देन ये जो IIST है ये रैंक लिस्ट भी रिलीज नहीं कर रहा कि कितने पे मिल सकता है, जिस प्रकार से काउंसलिंग कर रहे हैं उसी के बेसिस पे कुछ पता लग पा रहा है कि किसको कितने पे मिल रहा है किसको कितने पे नहीं मिल रहा। तो यार जिन जो बच्चे एटलीस्ट 100 150 200 तक वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं, ओके 300 तक मान लो, 300 तक जो बच्चे वेटिंग लिस्ट चल रहे हैं, ओके वो जो है 30 नवंबर को, जैसा कि ये शेड्यूल दिया गया है, आप जस्ट जो है रजिस्टर कर दे अपने आप को फॉर स्पोर्ट राउंड के लिए। ओके देन जो है 2 तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा 11 बजे तक। ओके 11 बजे अगर आपका नाम आ जाता है IIST में तो आप अपना जोसा वगैरह का जो भी है उसको डायरेक्टली जाके विड्रॉल करो, जचा के विड्रॉल करो उसको, और उसको बोल दो कि पैसे दे दो भैया और IIST के अंदर आराम से एडमिशन लो, मजे करो चिल करो, ठीक है। अगर IIST में नहीं होता है बाई चांस 11 बजे तक
यार फर्स्ट ऑफ ऑल यही एडवाइस करते हैं सभी लोग, यही कोड से परे करें कि 11 बजे आ जाए, कुछ ना कोई प्रॉब्लम ना हो, बस सर्वर के अंदर यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस कुछ ना कुछ डिले होता है, प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे बच्चों के 85,000 खराब होने की कगार पे है। तो यार गॉड से यही प्रे करे कि डिले ना हो किसी भी हाल में, कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसा कभी हुआ नहीं है, IIST ने जिसका अगर 1 बजे का कहा है तो एग्जैक्ट 1 बजे पर अलॉटमेंट आया है, आज तक तो ऐसा कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। और यार यही अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं गॉड से, IIST से, भगवान से, यही प्रे करें कि टाइम टू टाइम 11 बजे तक आ जाए अलॉटमेंट। जिन बच्चों का हो जाता है IIST में, वो अपना दोस्ता वगैरह का NIT वगैरह जो भी है उसका सीट विड्रॉल ले सकते हैं, फुल रिफंड मिल जाएगा शाम 5 बजे तक। अगर यार ये जो इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो परेशानी तो सिर्फ हमको ही होगी। तो यार बस यही दुआ करो भगवान से कि 11 बजे आ जाए अलॉटमेंट, और जिस बच्चे का हो जाए वो जोसा वगैरह की सीट विड्रॉ कर ले और अपना रिफंड के लिए एलिजिबल है। 85,000 ऑलमोस्ट बच्चों ने, जनरल कैटेगरी वालों ने पे किया है। जिन बच्चों की कैटेगरी SC ST है यार, उन लोगों ने कम पे किया है। तो जस्ट देख सकते हो, मतलब कब से पे तो सभी ने किया, चाहिए वो SC ST हो, जनरल हो, OBC हो, ओके जोसा को, तो ऑलमोस्ट बच्चों ने पे कर रखा है, क्योंकि सभी चाहते हैं साइड व्यू अपना रखना चाहते हैं। जो बच्चा IIST के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो उसको यार जोसा में कुछ ना कुछ मिला है, सभी को पता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो जस्ट ये आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक वीडियो था, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार ऑथेंटिक कंटेंट यूज किया करो भाई, इतने साल हो गए हमको काउंसलिंग करते हुए, ठीक है, जितना भी इन कंटेंट कोटर के पास भी नहीं होगा उतने तो हमने एडमिशन कर दिए IIST, जोसा, CSA भी, ठीक है। तो हमें ऑथेंटिक कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है कि किस कैटेगरी पर बच्चे को सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके हम रात में सपने में बता देते हैं कि होगा कि नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस हो गया हमें, ठीक है, तो हमें ये ना बताए कि आप ऑथेंटिक कंटेंट यूज किया करो, कि हमें पता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। ओके क्योंकि रात को सपने में भी हमारे एडमिशन ही चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जिन बच्चों के आप 300 वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं वो अपने आप को जरूर रजिस्टर करें, जिन बच्चों के वेटिंग लिस्ट थोड़ी ज्यादा भी है तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके तो जस्ट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि सीटें वैकेंट नहीं रहती, सीटें वैकेंट है, अभी भी वैकेंट पड़ी है। ओके तो रजिस्टर जरूर करें अपने आप को, अगर इफ यू नीड सीट देन 30 नवंबर को रजिस्टर करें। जो बच्चे सेकेंडरी वैलिडेशन के लिए इलिजिबल थे लेकिन बाई चांस रजिस्टर नहीं किया था, सेकेंडरी वैलिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं था सेकेंडरी वैलिडेशन कब हो गया, कुछ आइडिया नहीं, तो वो बच्चे स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।